पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के एमएलसी हमारे संरक्षक माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप परियोजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के अनुमोदन व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल सहमति से समाजवादी योजन सभा के जिलाध्यक्ष हरिनाम यादव ने योजन सभा की बैठक का जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी। सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कर बधाई दी व मनोनयन पत्र वितरित किए। सपा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक प्रचारित कर 2022 में सपा सरकार बनाकर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हरिनाम यादव ने जिला कार्यकारिणी में मनीष वर्मा को, जिला महासचिव आलोक कुमार, संजीव कुशवाहा, हसनैन अहमद, आशीष त्रिपाठी, यतेंद्र मोहन सिंह, शैलन कुमार को जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव प्रदीप राजवंशी, जिला सचिव रमेश कश्यप, अल्पसंख्यक सभा अध्यक्ष सईद अहमद, राहुल सिंह, परिवेश वास्तव कुकू, आदर्श दीपक मिश्रा सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित हैं। सिविल लाइन से चंदन यादव की रिपोर्ट। जिले के कमांडर ऊर्जावान जीतू जी हम सबको मार्गदर्शन समय समय पर देने वाले उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह जी, राजनीति में जिनके साथ हमने आवास सीखा हमारे जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदर्श किशोर मित्रा जी, इन्हीं के तीन थे, नीरज अवस्थी जी हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्रों में थे, सुखपू श्रीवास्तव जी, आज हमारी टीम में हसनैन भाई जिला उपाध्यक्ष जी और मनीष वर्मा महामंत्री जी और हमारे चाचा हरिश्चंद्र जी, हरिपाल चाचा, अवधेश और समाज पूरी सम्मानित मंच। साथियों, पद कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, पद आपके कार्य पर निर्भर करता है। जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था तब भी मैं सोचता था कि ब्लॉक अध्यक्ष, हम अध्यक्ष जी इस बात के गवाह हैं कि हमने ब्लॉक अध्यक्ष रहते हुए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हर कार्यक्रम में। आज जो सम्मान हमें मिला है, हमारे परिवार में राजनीति तो नहीं है, मैं किसान का बेटा हूं और हमें सम्मान दिलाने वाले हमारे आदरणीय संरक्षक बड़े भाई पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। और मैं आप सबके सामने मैं ये वचन देता हूं कि मैं अपने समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का सम्मान बरकरार रखूंगा और अपने नेता के प्रति समर्पित रहूंगा। ये जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, ये मत समझना कि लेटर ले लिया और घर चले गए और हम पदाधिकारी बन गए, गाड़ी पर लिखा लिया। जिसको मैंने लेटर दिया है, पदाधिकारी बनाया है, मैं 3 तारीख के बाद में हर विधानसभा, हर नगर में, हर ब्लॉक में मीटिंग करूंगा हम। और मीटिंग करने के बाद 1 महीना लगातार मैं क्षेत्र में रहूंगा, उसके बाद एक सम्मेलन बुलाऊंगा, उसमें एक प्रदेश का बड़ा नेता आएगा। तो आप लोग हर समाज को, अपने से छोटा हो उसको प्यार करो, जो अपने से बड़ा हो उसको सम्मान दो, जब दूसरे को आप सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा। आप लोगों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। हमारी लड़ाई सीधी RSS और भारतीय जनता पार्टी से है। हम सबको अपना सम्मान और संविधान दोनों चीज बचाना है। इसलिए जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, ये मत समझना कि हम गाड़ी पर जिला उपाध्यक्ष लिखा लेंगे, पद का विपक्ष में कोई मतलब नहीं है। आप सत्ता में आ जाओगे, आप ब्लॉक सचिव भी होगे, उतरोगा आपकी बात मानेगा, इंस्पेक्टर आपकी बात मानेगा। अभी आप चाहे विधानसभा अध्यक्ष बन जाए, चाहे जिला अध्यक्ष बन जाए, संघर्ष से ही रास्ता चुना जाता है और संघर्ष से ही आप लोग पहचाने जाओगे। तो इसलिए साथियों, आप सबको नई जिम्मेदारी मिलने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग 2022 को मिशन करें। आप लोगों के कंधे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कागज नहीं, ये आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विपक्ष में आपको पूरी घेरने की कोशिश की जाएगी। जितने भी आप लोग ब्लॉक, विधानसभा, नगर अध्यक्ष, जो विपक्ष की सारी निगाहें आपके ऊपर होंगी। लेकिन आप लोग किसी प्रकार से डरना मत, घबराना मत, आपको एक साथ समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर आपकी दिन रात लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय भी जिसको भी मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं एक बार में ही फोन उठाकर उस कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बराबर तैयार रहूंगा। लेकिन आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। संगठन को यूं ही मजबूत स्तर पर यूजन सभा जिले में नंबर एक रवि चमकेगी जब आप सबका सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा। हम ये चाहते हैं कि जैसे आप लोगों का सम्मान है, वैसे हमारे नेताओं का भी सम्मान बना रहे, और इसी सम्मान के लड़ाई के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारी लड़ाई है, इसको हम लोग 2000 में ऊपर वाला चाहेगा फतेह करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय समाजवाद। सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय माता दी। और आदित्य जी को भी धन्यवाद।